बाइक के अंदर और पोजीशन जो है मुझे लगा रहा है अगर थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट अभी आया हूँ मानो सुजुकी। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, होप यू आर डूइंग फाइन। सो आज मैं लेके आया हूँ सुजुकी जिक्सर एसएफ। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, BS4 और BS6 के अंदर क्या चेंजेस हैं उसके बारे में बात करूँगा, और परफॉर्मेंस वाइज कैसा चल रहा है वो भी बताने वाला हूँ, एंड फुल रिव्यू होने वाला है। एंड स्पेशल थैंक्स टू मानो सुजुकी। डिस्क्रिप्शन में सुजुकी शोरूम का मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग कॉन्टैक्ट करके कोई भी गाड़ी का, कोई भी सुजुकी प्रोडक्ट का आप लोग जो है बुकिंग कर सकते हैं या फिर टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हैं, एंड शोरूम विजिट करके आप लोग जो है टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं एंड परचेस कर सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस रिव्यू वीडियो। करते हैं वॉक अराउंड से, तो अपने पास जो है तीन कलर अवेलेबल है, मोटो जीपी एडिशन, रेड एंड ब्लैक। एंड जो रेड कलर है बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर दिखता है। सबसे पहले बात करते हैं एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसका जो प्राइस है 1,26,622 रुपीज़ हो चुका है। एंड जो रेड कलर है इसका ग्राफिक जो है और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है रेड कलर के अंदर। एंड अब बात करते हैं फ्रंट में LED लाइट्स के बारे में, जो LED लाइट्स है बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है विद ब्लैक डिज़ाइन। एंड बात करते हैं ब्रेक के बारे में, तो अपने को जो है फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है, ज़रा सेफ्टी के लिए सिंगल चैनल ABS दिया हुआ है एंड अलॉय व्हील साथ में मिलते हैं। एंड बात करूँ इंजन के बारे में, नाउ इट्स BS6 कंपाइल, एंड आगे जो है कैटलिक कन्वर्टर एंड ऑक्सीजन सेंसर देखने मिलता है। एंड बात करूँ पावर फिगर्स के बारे में, तो जो पावर है अब हो गया 13.6 BHP, एंड जो टॉर्क है वो हो गया 13.8 Nm का टॉर्क। जो टॉर्क है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है कंपेयर टू BS4, एंड वी ऑल्सो गेट फ्यूल इंजेक्टेड। एंड अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है फुल्ली डिजिटल है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे जो है अपने को गियर इंडिकेटर्स दिखते हैं, साथ में जो है किलोमीटर इंडिकेटर्स, और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है फुल्ली रीडेबल है, फॉन्ट जो है बहुत ही अच्छा है। साथ में अपने को यहाँ पे मिलता है फ्यूल इंडिकेटर्स, RPM इंडिकेटर्स एंड वन ट्रिप एंड सेकंड ट्रिप इंडिकेटर विद टाइम। एंड अपने को पासिंग लाइट, ABS एंड न्यूट्रल इंडिकेटर्स देखने मिलते हैं। एंड जो डिस्प्ले है बहुत ही अच्छा है, ये जो काम डिस्प्ले में जो है बहुत ही अच्छा काम किया गया। एंड बात करें फिट एंड फिनिश एंड स्विच गियर क्वालिटी के बारे में, तो या इट्स रियली गुड, सुजुकी ने इसमें बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड अपने को 5-speed गियर बॉक्स जो है इसके अंदर देखने मिलेगा। सीट की बात करूँ तो सीट है वो बड़ा दिया हुआ है, एंड सीट का जो पोजीशन है वो थोड़ा और एग्रेसिव हो गया है, बिकॉज जो एंगल है सीट का वो ऊंचा कर दिया, जिसकी वजह से सीटिंग पोजीशन और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाने वाला है। एंड ये जो एंगल देख रहे हो उसको जो थोड़ा ऊपर लिया, एंड जो पिलियन सीट है उसको भी थोड़ा ऊपर लिया हो गया। अगर मॉम को अगर बिठाना हो तो थोड़ा जो है अनकम्फर्टेबल रहेगा, बट पिलियन के लिए साथ में आपको जो है ग्रैब हैंडल्स दिए हुए जो कि बहुत ही अच्छे हैं। एंड ये जो हगर है इसका लुक जो है बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो चुका है, सुजुकी ने इसमें बहुत ही अच्छा काम किया हुआ। साथ में जो आपको पीछे जो है LED टेल लाइट देखने मिलती है, एंड टेल लाइट में जो अलग ही 3D लुक मिलता है अपने को जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। एंड राइडिंग पे जाने से पहले आपको जो एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ इसका। एंड पावर की बात करूं तो पावर जो है सेम है, एंड टॉर्क जो है डिक्रीज हुआ अच्छा। एंड बात करूं वेट की, तो गाड़ी का जो वेट है बहुत ही कम है, इस वजह से जो है हैंडलिंग बहुत ही इजी हो जाती है।
ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग जो है पीछे फीडबैक जो है बहुत ही अच्छा मिलता है, स्टॉपिंग पावर जो है बहुत ही अच्छा है। एंड बात करते हैं आगे वाली ब्रेक की, आगे वाला जो ब्रेक है वो भी अच्छा है, जो फीडबैक है वो आगे वाले ब्रेक में अच्छा है, स्टॉपिंग पावर जो है वो भी आगे वाले ब्रेक में अच्छा है मिल रहा है अपने को। सॉफ्ट है एंड सबसे अच्छी बात है सीट का कि सीट जो है वाइडर सीट दिया हुआ है, और पिलियन के लिए जो है वो थोड़ा अगर मॉम वॉम को बिठाना हो तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बट ऑल द वे जो बाइक है वो मस्त लगी मुझे अभी तक। और वाइब्रेशन की बात करूं तो अभी तक जो है मैंने कोई वाइब्रेशन फील नहीं किया है। 5-speed का आपको गियर बॉक्स मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा लाइट है, और जो क्लिकी साउंड है वो आपको गियर बॉक्स देता है। एंड क्लच की बात करूँ तो क्लच जो है क्लच भी ऑल्सो लाइट, एंड जो छोटे मोटे पॉटहोल्स है वो निकल जाते हैं। सस्पेंशन जो है थोड़ा सॉफ्टर साइड में दिया हुआ है सस्पेंशन को। पावर की बात करूँ इनिशियली जो पावर है बहुत ही अच्छा है, और ज़्यादातर मज़ा जो है इसका मिड रेंज के अंदर दिया हुआ है। एंड थोड़ा सिटी में जो है राइड करते हैं, एंड सिंगल चैनल ABS मिलता है आपको सेफ्टी के लिए। और राइडिंग पोजिशन जो है सिटिंग पोजिशन वो बहुत ही अच्छा है, कमर में या तो फिर मेरे शोल्डर में जो है अभी तक जो है मैंने पेन नहीं देखा है। थोड़ा जो हाथ में थोड़ा सा प्रेशर बनता है बट इतना तो कुछ भी नहीं है। एंड जो पोजीशन का जो ग्रिप है ना जो बैठते वक्त जो मिलता है अपने को वो जो है बहुत ही अच्छा है। ट्विन बैरल जो है उसका साउंड भी अच्छा है अपने को। एंड आगे का जो है बॉडी थोड़ा नीचे है और डिज़ाइन वाइज जो है बहुत ही मस्त लगता है। सुजुकी जो है इसने अच्छा काम किया है। एक्चुअली जो ये बाइक है वो बहुत ही अंडररेटेड बाइक है, मैं बोलूँगा। अगर आपको कोई बाइक चाहिए 150 में, अगर आप मोर पावर ढूंढ रहे हो एंड मस्क्यूलर, तो ये बाइक जो है उसके लिए बना हुआ है। पावर है, मस्क्यूलर है, टूरिंग जो है इसके ऊपर इतना नहीं होगा। बात करूँ स्पीड के अंदर तो स्पीड में जो है बाइक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहती है। एंड ब्रेकिंग इज रियली गुड, हैंडलिंग तो मुझे बहुत ही मस्त लगी इस बाइक के अंदर। एंड सिटी राइड भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, कि ऐसा नहीं है कि सिटी राइड में प्रॉब्लम हो। एंड अभी तक मैं बाइक चला रहा हूँ मुझे कहीं भी हिटिंग जो है उसका प्रॉब्लम नहीं दिखा है बाइक के अंदर। और पोजीशन जो है मुझे लगा रहा है अगर थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसे रास्ते ज़्यादा होंगे तब जो आपको फील होगा इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करने वाला है। एंड माइलेज जो है आपको 45 KMPL का माइलेज मिलने वाला है इसके अंदर। एंड जो टैंक है वो 12 लीटर का टैंक है जो कि अच्छी बात है। एंड ऐसे रोड में भी जो गाड़ी है बहुत ही अच्छी चल रही है। मुझे थोड़े ज़्यादा बाहर लग रहे हैं, सिटी में जो आपको हो सकता है मिरर हिट करे।